आज का जो टॉपिक है भविष्य कैसे बनता है पार्ट थ्री। ये पार्ट थ्री हमने इसलिए कर दिया क्योंकि उस दिन डिस्टर्बेंस हो गया था, एक बार कट गया था और फिर दोबारा आना हुआ था। एक बार में भी अच्छा खासा था, फिर दोबारा भी वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए था, तो इसलिए दो पार्ट हमने उसको पहले ही कर दिया और तीसरा पार्ट अब शुरू कर रहे हैं इसको कि ये पार्ट थ्री से शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा है कार्मिक ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है, वह उससे अनुकूल भविष्य बनाने की विधि क्या है। एक मैंने इस बार स्पेशल टॉपिक लिया है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कैसे रिलेशनशिप रहना चाहिए हस्बैंड वाइफ का, क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं इस रिलेशन को जानता हूँ कि हम लोग चूक कहाँ से रहे हैं। संन्यास्त होकर शादीशुदा हूँ मैं, तो मैं थोड़ा दूर से निभाता हूँ सारी चीज़ें, तटस्था से निभाता हूँ, तो मुझे पता चलती है कि कैसे मैं खेलता भी हूँ, पवेलियन में भी बैठा रहता हूँ, दोनों ही चीज़ें हैं। तो ज़्यादा रिसर्च इस पर मेरा है, मैंने इसमें बुक भी बनाया हुआ है, आने वाले टाइम में पब्लिश करूँगा। शुरुआत करते हैं हम कार्मिक ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है, और उससे फिर भविष्य को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बात जो मैं अभी समझा रहा हूँ फिर मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा उससे। ये बात ऐसी होती है जो शब्द भी आप, अच्छा आप ही थे, शब्द भी आप वही लीजिए जो आपको पचाना है, शब्द वही शब्द लीजिए जो आपको पचाना है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, वही खाते हैं जो हमें पचाना है, जो हमारे शरीर में जाना है, जो जिसका रक्त में प्रवाह होना है, तो शब्द भी वही लीजिए जो पचाना है। इसी पे हम चल रहे हैं। कार्मिक एनर्जी शब्द से ही है ना, कर्म की एनर्जी कैसे बनती है, जहां से कर्म शुरुआत है, कर्म की शुरुआत है, उसकी एनर्जी शरीर में कैसे बनती है, उसको कैसे हम लोग अपने लिए लाते हैं, उसको कैसे यूज में लाते हैं, कर्म की एनर्जी को, कर्म की एनर्जी होती क्या है। पहले तो ये समझिए, हम जो कर्म करते हैं वो जहां से, जिस एनर्जी से कर्म करते हैं वो एनर्जी होती है कर्म की एनर्जी, कार्मिक एनर्जी यही है। कार्मिक एनर्जी बनती कैसे है, कार्मिक एनर्जी शब्द से बनती है। जो शब्द है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, शब्द ध्वनि तरंग जो जा रही है, ध्वनि तरंग को जब समेटेंगे तो शब्द बन जाएगा, शब्द वाक्य बन जाएंगे, तो ये शब्द बोल रहा हूँ, ये भाषा जो है ना, कार्मिक एनर्जी शब्द से बनती है। शब्द के दो फॉर्म हो जाते हैं, कार्मिक एनर्जी जो बनती है वो शब्द से बनती है और शब्द के दो फॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि पिछली बार क्या क्या हुआ था, हम कहाँ कहाँ गए थे पिछली बार, कैसे कैसे रहा था और फिर चले गए थे। भविष्य बनता है कर्म से। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, एक कर्म है क्रियामान जो वर्तमान का कर्म है, एक है संचित और एक है प्रारब्ध। मेरा जो बनाया हुआ है, जो क्रियामान वर्क है वर्तमान वाला, इसमें तीन प्रकार होते हैं मेरे अनुसार, और होते भी यही हैं। अगर किसी वैज्ञानिक ने इसको प्रूव करके दे दिया या किसी ने दिया होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, मुझे किसी का ऐसा लिखित नहीं है, मगर देना यही चाहिए, यहीं तक अभी तक जो दुनिया आई है ना वो यहीं तक आई है, इसके आगे नहीं गई है, और इसके आगे अगर कुछ है तो वो मैं अगर बोल भी दूँ तो समझ भी नहीं पाएंगे, किसी हिसाब से माइंड में भी नहीं आ पाएगा, दिमाग में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम समझते भी वहीं तक होते हैं जहाँ तक किसी न किसी हद तक ये दुनिया पहुँची हुई है, उसके आगे हम बहुत समझ भी नहीं सकते। वर्तमान में हमने देखा था तीन टाइप्स के वर्क हैं, एक है कॉन्शस वर्क, एक है सब कॉन्शस वर्क और एक है सुपर कॉन्शस वर्क। कॉन्शस वर्क ये है जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी अभी जस्ट उसका इफेक्ट हो जाता है, इफेक्ट मिल जाता है, वो है कॉन्शस वर्क, जो अब जो बात करके ये मेरे लिए रह जाएगा, बीत जाएगा मेरे लिए, ये हो जाएगा सब कॉन्शस वर्क। कॉन्शस वर्क ये है जो मैं बात कर रहा हूँ, और जो मेरा माइंड चल रहा है ना, देखिए मन के
दस हिस्से अगर हम कर लें तो उसमें से एक हिस्सा कॉन्शस होता है और नौ हिस्से सब कॉन्शस होते हैं। सब कॉन्शस में नौ हिस्से, जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं कॉन्शसली देख रहा हूँ, जितना मैं कॉन्शसली आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हैं, इससे नौ गुना मैं इससे ज़्यादा अंदर हूँ, नौ गुना इससे ज़्यादा अंदर हूँ सबकॉन्शस माइंड में। और अगर मैं नौ गुना इससे ज़्यादा अंदर हूँ तो नौ गुना ज़्यादा सोच भी रहा हूँ, कर्म भी कर रहा हूँ नौ गुना ज़्यादा, क्योंकि सोच की एनर्जी तो चली रही है ना, और कर्म भी कर रहा हूँ मैं नौ गुना ज़्यादा। कॉन्शस वर्क में जैसे मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, और सबकॉन्शस वर्क में जो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, वर्क नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरे साथ वो चीज़ें अभी हो रही हैं, मेरे लिए हो रही हैं और मेरे ऊपर वो चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, वो सबकॉन्शस वर्क में है। सुपर कॉन्शस वर्क में है जो वर्क तो है मगर उसमें वर्क नहीं होता, क्योंकि उसमें करने वाला नहीं होता। काम केवल इतना है कि शरीर के माध्यम से वो स्थिति देखी जाती है, शरीर उसमें प्रयोगशाला है। तो शरीर का जो काम है वो शरीर तो कर ही रहा है, अपना काम तो शरीर कर ही रहा है, शरीर की एनर्जी तो खर्च हो ही रही है। शरीर में अगर बैठना है और 10 घंटे एक ही पोज में बैठना है, या 5 घंटे बैठना है, या खड़े होना है, या डांस करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें शरीर से तो वर्क लिया ही जा रहा है, शरीर तो उसमें अपना काम कर ही रहा है। इसलिए सुपर कॉन्शस वर्क को भी वर्क ही कहा गया है, और उस वर्क का जो भविष्य बनता है वो अलग तरीके का बनता है, बहुत अच्छा भविष्य बनता है। आज का जो है इतना हमने पिछली बार कर लिया था, इसको हमने एक एग्जांपल से भी लिया था कि कोई ऐसी सज्जन थे जिन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था, तो उसी एग्जाम्पल पर हमने लिया था, वो बातें बीत गई, बात खत्म हुई, जो भी जैसे था वो। अब हम नए एग्जाम्पल में जाएंगे, नई सारी बातें होंगी, और आज संडे मना रहे हैं ज्यादा लोग, या मैं पहले आ गया, टाइम तो मैंने और पहले का दिया था, मैं उस टाइम में आता मगर उस टाइम में मुझे कुछ आज काम है, तो इस वजह से मैं पहले ही थोड़ा सा ले आया। कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है ये तो हमने देख लिया। कर्म की उत्पत्ति बाहर से जो ध्वनि तरंग हमारे पास आती है जिसको हम शब्द बोलते हैं, वो शब्द से कर्म की उत्पत्ति होती है। शब्द से कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द जो हमारे अंदर गया उसने हमारे अंदर की एनर्जी को दिलाया, अब जो ये एनर्जी आगे जाएगी ना, तो उससे कर्म, उससे हम आगे काम करना शुरू कर देंगे। काम वाले जो हम आगे कर्म करेंगे ना, उसकी उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी। आवाज जा रही है मेरी, ठीक है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं पता है, मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक इतना अच्छा है और कुछ लोग और, क्योंकि ऐसा है टॉपिक कि आप देखेंगे कि जीवन में आप जो ठग रहे हैं ना आप लोग, या कहीं पर जो प्रॉब्लम हो रही है वो होनी बंद हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी उस टाइप की प्रॉब्लम। आप ये समझना शुरू कर देंगे कि कौन आदमी आपके लायक है, कौन वास्तव में किसको अनुभव है। कर्म शब्द एक तरफ आता है तो भाव बनता है, एक तरफ जाता है तो तर्क बनता है। शब्द है जो हमने सुना, तो शब्द को जब हम भाव में ले आएंगे, भाव में ले आएंगे, तो भाव बच के अनुभव बनता है, और अनुभव जब हमारे आचरण में आता है तो वो एक अलग टाइप का, वो हमारा ज्ञान होता है और अलग टाइप का भविष्य निर्धारित करता है। शब्द जब तर्क में फंस जाता है, तर्क में चला जाता है, आपने मेरी बातें सुनी, इसको जब तर्क करने लगेंगे तो ये शास्त्र टाइप में चला जाएगा, ये डुप्लीकेसी में चला जाएगा, ये ओरिजिनलिटी में जा रहा है और ये डुप्लीकेसी में चला जाएगा। शब्द जो आपने सुना वो जब तर्क में बदल जाता है, यहाँ तर्क में बदल गया, इसके बाद की जो स्थिति होती है वो भी मैं बता रहा हूँ। अभी साउंड ठीक है,
शब्द जो है ना, शब्द हम सुनते हैं जिससे कार्मिक एनर्जी की उत्पत्ति होती है। शब्द हम सुनते हैं, शब्द हमारे अंदर गया, हमारे ब्लड से घुला। जो जो इसका सिस्टम है, शरीर का जो सिस्टम है, कान के होते हुए, या शब्द केवल कान से ही नहीं जाता, पूरे शरीर से शब्द जाता है, शरीर के अंदर गया, उसने हिलाया पूरे शरीर को और अंदर एक एनर्जी पैदा हुई जिससे कर्म की, जिसको कर्म की एनर्जी बोलते हैं, और कर्म उससे शुरुआत है, कर्म की शुरुआत उससे होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके हो जाते हैं। एक तो तरीका है जो एक्चुअल है, जो असली है। अगर किसी शब्द को आपने लिया, आप इस एग्जांपल से समझिए, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे अच्छा रहेगा। हमने खाना खाया, खाना खाया, और खाने में जो पेट में खाना गया उसका काम होता है पचना, उससे हड्डी मांस मज्जा ये सारी चीज़ें बनना, और ये सब बनने के बाद हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाना, हमारे आचरण में उस एनर्जी का आना, और उससे हमारा ऑरा डेवलप, जो हमारा ऑरा है, जिस तरह का ऑरा है, जैसा भोजन है, या जो भी है जो पेट में गया, उससे जीवन को उस तरह से चलाना, ये तो हो गया हमारा शरीर इस तरह से काम करता है। जो मैं कह रहा था, शब्द भी खामा खाई का मत लीजिए, शब्द भी आपके अंदर ऐसे ही जाता है। ऐसे ही जाने के बाद शब्द जब अंदर जाता है तो वो भी पचता है, नहीं एक तरह से, जब ये तो खाना पच गया, जो सही प्रोसेस है वो हो गया। एक खाना हमारे अंदर जाता है, भोजन हमारे पेट में जाता है, पचता नहीं है, और बहुत ही तरह के बीमारियों को पैदा करता है, स्वास्थ्य खराब कर देता है। भोजन पेट में जाके जो पचता नहीं है वो स्वास्थ्य खराब कर देता है, और कुछ भी मायना नहीं रखता उसका। शब्द भी ऐसा ही है, शब्द जिसको हम लेते हैं उससे जो कर्म की एनर्जी तो व्यवहार तक आके बनती है, उससे पहले चार पांच करी शब्द हमने लिया, शब्द को भाव में उतारिए, बुद्धि में गया। शब्द जो जाता है पहले बुद्धि के केंद्र मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क केंद्र वाली बात करेंगे ना, यहाँ चक्रराज की बात आ जाती है बहुत सारी, तो मैं उतर नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको दूँ कैसे, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है और मैं छोटे से में देना चाह रहा हूँ, जिससे आपका भी आप टाइम तो है जितना है, मगर उस लंबे वाले सब्जेक्ट में जब जाएंगे ना तो भटक जाएंगे, बहुत सारा इधर उधर हो जाएगा, ठीक से शब्द इसका पूरा नहीं हो पा रहा है। कर्म को हम ले आए भाव पे, जो बुद्धि मस्तिष्क है, मस्तिष्क को हम हृदय पे ले आए, केंद्र है ये। कर्म को भाव पे लाए, भाव बनता है आचरण, भाव जब अनुभव बन गया, भाव को अनुभव में लाए, इसकी कड़ी है, और अनुभव आचरण बन जाता है, अनुभव हमारा ज्ञान होता है। इसी तरह से कर्म की जो विकृति है, कर्म कौन से विकृत कर्म कहाँ से पैदा होता है, ये देखिए, ये तो सुदृढ़ कर्म हो गया, एक विकृत कर्म जो पैदा होता है, शब्द आया, बुद्धि में गया, बुद्धि ने तर्क शुरू किया, तर्क वितर्क कुतर्क यहाँ से शुरू किया। अब ये जो है ना, ये तर्क वितर्क वाला जो है, ये गलत फॉर्म हो जाता है शब्द का, यहाँ से बीमारी पैदा हो जाती है, यहाँ से फोटोकॉपी वाला ज्ञान हो जाता है, जो शास्त्र का ज्ञान केवल कहते हैं ना, शास्त्र का ज्ञान केवल पैदा हो जाता है, ज्ञान की फोटोकॉपी होती है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग चक्रराज पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिसका उनको अनुभव नहीं, शब्द लिया उन्होंने, शब्द पकड़ा, बुद्धि में ली, बुद्धि भाव तक नहीं उतर पाई, भाव अनुभव तक नहीं पहुंच पाया, और अनुभव उनके आचरण में नहीं आ पाया। उन्होंने क्या किया, शब्द लिया, बुद्धि तक पहुंचाए, बुद्धि से तर्क वितर्क किया, जो भी तर्क करना था, तर्क कभी भी अनुभव नहीं पैदा कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ये परम सत्य है कि तर्क कभी भी अनुभव पैदा नहीं करेगा, तर्क से अनुभव आ ही नहीं सकता, तर्क अपने आप में फोटोकॉपी है, फर्जीवाड़ा है, तर्क जो है ना वो अपने आप में घूमता रहे, तर्क खुद का ही होता है, तर्क हमेशा खुद का होता है। एक कहानी बताता हूँ मैं आज बहुत सारी चीज़ें दे नहीं रहा हूँ, तो पता नहीं क्यों, आप लोग भी कम हैं और मैं भी थोड़ा ऐसी, अगर बीच में कहीं कनेक्ट हो गया तो फिर मैं ये जो दे रहा हूँ ना, ये ऐसा दे जाऊँगा कि इसको बहुत ही आपकी आँखें इतनी पैनी हो जाएंगी कि आपको कोई ठग नहीं पाएगा, पढ़ा नहीं पाएगा। एक रिसर्च हुआ है नए में, कई दिनों से मैं इस पर कर रहा था, वो नए में परफेक्ट हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है उसमें। और
एक कहानी बताता हूँ, तर्क कैसे अपना ही होता है, तर्क खुद का स्वयं का तर्क होता है, तर्क दूसरे के लिए नहीं होता। एक थे हमारे पंडित जी, मंदिर के पंडित जी, और एक थे मौलवी जी। मौलवी जी जा रहे थे कहीं से, बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो मौलवी जी किनारे लग गए, तो पंडित जी उनको कह रहे हैं, सामने से बैठे देख रहे थे, पंडित जी उनको कह रहे हैं मौलवी जी को कि भाई अल्लाह ने बारिश दी है, भाग कहाँ रहे हो, झूमो नाचो गाओ भागो मत। तो मौलवी जी अब क्या करें, अल्लाह ने दी है तो वो झूमने लगे और बारिश में भीगने लगे, बुखार हो गया, बुखार में पड़े हुए थे घर पे। उधर से फिर पंडित जी जा रहे थे और फिर बारिश होने लगी, खिड़की के सारे पड़े हुए थे वो, पंडित जी भागे वहां से। तो फिर मौलवी जी कह रहे हैं, अरे पंडित जी कहाँ भाग रहे हो, आपके भगवान ने बारिश दी है, भाग कहाँ रहे हो, मौज लो। तो पंडित जी कहते हैं भगवान ने बारिश दी है उसमें कहीं पैर न लग जाए इसलिए भाग रहा हूँ, भगवान के बारिश में पैर लग जाएगा तो अपमान हो जाएगा। तर्क जो होता है ना, तर्क हमेशा अपना होता है और तर्क खामखाई में होता है, किसी भी चीज को मैनिपुलेट करने में होता है, अनुभव तक नहीं पहुंचा। कर्म की जो ऊर्जा है इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कर्म की ऊर्जा कहाँ से डेवलप हो रही है, हम कहाँ पहुंच रहे हैं, कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, ये ज्ञान आपको क्या कभी मिल सकता है, ये आपको कभी मिल सकता है, हो सकता है ना भी मिले, तो इसलिए इसको ध्यान से सुन लीजिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद आया है, बहुत रिसर्च के बाद आया है, छोटे मोटे रिसर्च के बाद आया भी नहीं है, बहुत लंबे रिसर्च के बाद आया है, और इस छोटे से फॉर्म में इसको पहुंचाना ये बहुत अपने आप में एक वैसी बात हो जाती है कि जो लंबा इस पे जब 2 घंटे आदमी बोलेगा ना, उसके बाद यहाँ तक आके और फिर आगे बढ़ेगा, इसको इस छोटे से फॉर्म में लेकर चले जाना, इसको ऐसे करके समझाना है कठिन है, इसलिए इसको ध्यान से लीजिए। हमने शब्द लिया, शब्द को हम ऐसे ही ले लेते हैं, किसी भी शब्द से किसी कोई हमें अपना गार्बेज, कोई अपनी कहानी, कोई कुछ भी सुनाता रहता है और हम सुनने लगते हैं, हम इंटरेस्ट लेने लगते हैं उसमें, यहाँ जी मज़ा आने लगता है कि उसकी कहानी सुनने में, कि कैसी कहानी भी थी वो भी हम यस दो सारी चीज़ें बोलने लगते हैं उसमें, जो कि हमें नहीं करना होता है, नहीं क्या क्या करना होता है वो हम आगे देख लेते हैं। और ये कर्म पैदा कहाँ से होता है, कैसा वाला कर्म पैदा होता है, उससे आचरण कैसा बनता है। एक शब्द हमारे कान में गया, शब्द का मतलब मैं कह रहा हूँ कोई भी भाषा, किसी भी भाषा से आप ले लो, शब्द हमारे कान में गया, शब्द का फॉर्म होता है आदमी की प्रकृति होती है कि वो आदमी क्या करता है या हम उस शब्द का क्या करते हैं। शब्द जाने के बाद हमारे शब्द जाता है बुद्धि में, बुद्धि है मस्तिष्क का केंद्र, बुद्धि में जो शब्द उतरा बुद्धि से भाव पे पहुंचा, भाव मतलब हृदय के केंद्र पे पहुंचा हुआ, भाव पे पहुंचा, भाव में वो मचा, भाव में वो तुला, भाव में वो जिया, जब वो उस भाव में जिया उसके बाद वो अनुभव बनता है, मतलब हड्डी मांस मज्जा जो खाने के बाद जो हड्डी मांस मज्जा जो सुदृढ़ होते रहते हैं ना, वो अनुभव बनता है। अनुभव जब बन गया, जो आपका अनुभव होता है वो आपके आचरण में आ जाता है, आपके व्यवहार में आ जाता है, जब वो व्यवहार में आ गया तो वो आपका हो गया, आप वो हो गए या आपका वो हो गया, दोनों ही बातें हो जाती हैं, वो आपके व्यवहार में आ गया। अब ये तो हमारा राइट वे है जो किसी भी चीज को हम लेते हैं, एक रॉन्ग वे होता है इसी में, कि शब्द आ गया हमारे पास, शब्द पे हमने तर्क वितर्क कुतर्क किया, जो भी करना है वो किया, और उसको हम आचरण में तो ला नहीं सकते, वो हमारे लिए बीमारी पैदा हो गई, हमारे लिए अपच ज्ञान हो गया हमारे पास, उसको हम खामखाई में उलीझते रहेंगे, लोगों को देते रहेंगे, खामखाई में देने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे कि कौन आगे सुन ले, और यूं ही देने, आप देने वालों की संख्या देख लो, कभी भी जाके हॉस्पिटल में बैठे रहोगे ना, और 3-4 लोग 5 लोग 7 लोग रहेंगे वहाँ पर, और हॉस्पिटल में भी आपको बता देंगे, बगल वाला आपको बता देगा बराबर वाला बैठ के, आपको क्या हो रहा है, आप बताओगे डायबिटीज तो आपको बता देगा, आप सुबह सुबह टहला करो, आप चना खाया करो, आप फिर ये ले लिया करो, आप फिर वो ले लिया, वो भी बीमार दिखा नहीं आया है, आपका इलाज करना शुरू कर देगा वहीं पर। तो ये अपच ज्ञान है,
ये बिना अनुभव बिना भाव से घुले हुए अनुभव तक जाके जो हमारे आचरण में आता है वो वाला ज्ञान है, ये अपच ज्ञान है। इसी तरह से आपको फैलाता रहता है। इसका जो भविष्य बनता है, जो इस आचरण वाले ज्ञान का जो भविष्य बनता है और इस अपच वाले ज्ञान का जो भविष्य बनता है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। ज्ञान जो अनुभव में आया वो तो ज्ञान हो गया, और जो फोटोकॉपी हो गई इसकी, जिसने फोटोकॉपी ले ली, जिसने केवल शास्त्र पढ़ लिया, जिसने केवल पांडित्य देख लिया कि शास्त्र पढ़ के ही दे देंगे, आप देखेंगे चक्राज पढ़ा दी लोगों ने या पढ़ा रहे हैं कोई कोई, जो ज्ञान की फोटोकॉपी भी नहीं है उनके पास। मैंने देखा है कईयों, एक आदमी को नहीं, मैं किसी के एक के ऊपर नहीं, मैं कई लोगों की बात कर रहा हूं जिनको इस शब्द चक्राज शब्द लिया उन्होंने, उस शब्द को उनको क्या करना चाहिए था, बुद्धि ने शब्द ली, बुद्धि को हृदय पे उतरना चाहिए था, हृदय पे जब बुद्धि उतर गई तो वहां से भाव पैदा होगा, इसके लिए भाव में खुलेगा, ये शब्द खुलेगा। अब ये शब्द जो खुलेगा उसके बाद इस शब्द का अनुभव आएगा, भाव में खुलने के बाद ये अनुभव आता है, अनुभव जब आएगा तो वो उसके आचरण में आएगा और आचरण में दिखेगा, उसके पूरे आचरण में दिखेगा, व्यवहार में दिखेगा। अब ये आचरण बन गया, और जो चक्राज वाला अनुभव है उससे जो आचरण बनता है उस आदमी का जो भविष्य बनेगा, क्योंकि कर्म उसके डेली के जो कर्म है ना वो हील्ड रहेंगे, अपने आप में हीलिंग के साथ जीता रहेगा, वो हीलिंग की एनर्जी के साथ जीता रहेगा। मैं इसमें देख रहा हूं, तो मैं किसी को अगर हेलो नहीं कह रहा हूं तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूं और वो हेलो वगैरह के लिए इधर है तो ज्यादा उसमें दिखता नहीं है, तो मैं एक ही बार में हेलो कह देता हूँ, बाकी अगर और कोई आते हैं तो उनके लिए भी हेलो कह देता हूँ, बाद में मैं नमस्ते कर लूंगा तो उसको आप सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि मेरा प्यार वाला नमन है। ठीक है गुरु भाई, नमस्कार। इसमें क्या हुआ कि शब्द हमने जो लिया, शब्द जब हम कुतर्क वाली स्थिति में जाएंगे, तर्क वाली स्थिति पे ले जाते हैं शब्द को, तो वो हमारा, इससे जो हमारा कर्म बनता है, अब मैं इसको कर्म से कनेक्ट कर रहा हूं, कर्म कार्मिक ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है और उससे हमारा कर्म कैसे बनता है, उससे हमारा कर्म भी कैसे बनता है, उससे हमारा भविष्य भी कैसे बनता है, इसकी मैं आपको जो एक लाइन जो पहले बोला था ना मैं, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं अब इससे, कि हमारा कर्म जो बनता है ना, कर्म दो तरीके से बन गया, एक तो सही रास्ते वाला बन गया, एक बन गया फोटोकॉपी रास्ते वाला, सही की फोटोकॉपी वाला रास्ता है, जिसमें शब्द तर्क पे गया, तर्क कहीं नहीं गया, वो वाला खाना हो गया जो पेट में पचाई नहीं बीमारी के रूप में, वो वाला ज्ञान हो गया उसके पास, जानकारी केवल हो गई। जानकारी और ज्ञान में अंतर है, पीछे अगर आपने वीडियो में अगर होंगे तो आपको मालूम होगा, और अभी भी एक बार बता देता हूँ कि बात इतनी प्यारी है कि बार बार लोगों के कान में जानी चाहिए। जानकारी और ज्ञान में अंतर है, जानकारी वो है जो हमें इन दोनों आँखों से दिख के फिर मिलता है, जो ज्ञान इस टाइप से मिलता है, और ज्ञान वो है जो हमारे अंदर से आता है, या एक शब्द को हमने लिया और उस शब्द को हमने भाव में उतारा, भाव से अनुभव में गए, अनुभव हमारे आचरण में आया, तो ये जो आचरण है वो ज्ञान है, ये आचरण वाला व्यक्ति जो है वो ज्ञानी कहलाता है। और जानकारी शब्द हमने तर्क कुतर्क किया और जो उससे और हमने फैला लिया बिना भाव के बिना आचरण मिलाए, वो हमारी जानकारी होगी। तो जानकारी और ज्ञान में अंतर है, और जानकारी लेकर अगर हम किसी को देने लगते हैं, जानकारी लेकर हम हमेशा वैकेंट रहते हैं, अपने अंदर से खाली रहते हैं। ज्ञान जो होता है ना, ये ज्ञान लेकर हम भरे हुए होते हैं और जानकारी लेकर हम खाली होते हैं, इसलिए हम दूसरों को देने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, ना भी जानते हुए तो भी उत्सुक रहते हैं ज्यादातर देने के लिए। इससे अब भविष्य कैसे बनता है, हमने एक तो एनर्जी ले ली, एक तो कर्म ले लिया, कर्म की ऊर्जा कैसे बनी ये ले लिया, अब इससे भविष्य कैसे बनता है ये हम कनेक्ट कर लेते हैं। अगर
अगर हमने ये वाला कर्म लिया नीचे वाला, तो उसका जो भविष्य बनेगा वो सुपर कॉन्शस वर्क जो था हमारा वैसा बनेगा डायरेक्ट। अगर हमने ऊपर वाला लिया, ऊपर वाला कौन सा, जो हमने तर्क वाला लिया या तर्क से जो बुद्धि फिर पैदा हुई, यहाँ बुद्धि बुद्धि में काम चल जाता है और कहीं होते ही नहीं है, तो वहां जो है होता है ना वो कंफ्यूज एनर्जी खुद में कंफ्यूज होती है, एनर्जी का कोई रास्ता नहीं होता वहां पर। हम कितना भी कह लेना एक जगह फोकस करो, ये जो जाएगा आदमी जो जो आचरण में लेकर आया हुआ है इसको, जो भाव में किसी शब्द को भाव में लेकर और आचरण में लेकर आया हुआ है कर्म को, अब शब्द को छोड़िए, शब्द हमने पीछे छोड़ दिया, कर्म तक आ गए, कर्म बन गया, कर्म जो आ गया ना, जो आचरण में कर्म आ गया उसके आचरण में ही सुपर कॉन्शस वाला आचरण होता है उसका, और जो इधर जाता है सब कॉन्शस और कॉन्शस वाला आचरण अब उसके लिए हो गया। कर्म कैसे बना हमने देख लिया, एक शब्द की एनर्जी हमारे अंदर आई और शब्द की एनर्जी से हम दो तरह से गए, आपने ध्यान सुन लिया, शब्द सुन लिया, शब्द से आपको क्या मिल गया, शब्द सुनने से कुछ मिलता तो है नहीं। अगर मान के चलिए आपने दर्द सुन लिया कि किसी के पैर में दर्द हो रहा है, दर्द तो सबको ही हुआ होता है, दर्द सुन लिया आपने कि किसी के पैर में दर्द होता है हो रहा है, तो आप दर्द के बारे में कुछ तो समझेंगे कि मुझे दर्द ऐसा होता है क्योंकि कभी ना कभी आप गुजर चुके होते हैं या कुछ ऐसे, वो शब्द कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है आपको, आपके अनुभव को कनेक्ट कर रहा है, और आपने ध्यान सुन लिया या आपने आत्मा सुन लिया, आपने परमात्मा सुन लिया, आपने चक्रात सुन लिया, ये शब्द सुन लिया केवल आपने। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये केवल शब्द सुन लिया आपने कि ध्यान, अगर कनेक्ट नहीं होंगे, अगर आपके भाव में नहीं है, ये आपके अनुभव में नहीं है, तो शब्द की कोई वैल्यू नहीं होती फिर आपके पास, शब्द को फिर आप उस वाले फॉर्म में लेकर चले जाएंगे जहाँ पर दो प्रकार के कर्म होते हैं, वर्तमान कर्म भी वहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, कॉन्शस और सब कॉन्शस, वहाँ सुपर कॉन्शस वर्क घटेगा ही नहीं। अगर कर्म को हमें ऐसे देखना है, भविष्य को सुपर कॉन्शस वर्क, पिछली बार ये प्रूव हो गई थी बात मेरे सामने कि अगर किसी आप लोगों में से किसी को भी कभी भी ऐसा लगता है कि कोई भी बात ऐसी बोल दी गई जो नहीं हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि हम वही समझ पाते हैं जहाँ तक हमारी समझ होती है, उसके आगे हम नहीं जा पाते, उसके आगे हम सोच ही नहीं सकते, गीता भी हम वही तक समझ सकते हैं जहाँ तक हमारी समझ होती है, नहीं तो गीता में तो कम से कम जितने सूत्र हैं गीता में बहुत ही गहनतम सूक्ष्मतम रूप से अध्ययन किया हुआ है और समझा हुआ है उसको, गीता में जितने भी सूत्र दिए हुए हैं वो एक एक सूत्र, कोई एक सूत्र उठा लो आप, उसी से अर्जुन परमात्मा बन जाता, उसी से अर्जुन बन गया होता, उन्होंने हर चीज में दे दिया, एक एक सूत्र में दे दिया है कि ऐसा है, फिर भी हम कितना समझते हैं गीता को, ओम शांति 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 और कृष्ण के शरण में जाओ, गीता को हम इतना समझ के और छोड़ देते हैं, ऐसी पुस्तक वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मैंने करीब मोर देन 10,000 इस लाइन में अध्यात्म के लाइन में पुस्तक दिया होगा इसके अंदर, और गीता जैसी कोई पुस्तक एक है जो पीडी ऑस्पेंसकी की है, गुर्जर के ऊपर है, वो भी बहुत अच्छी है, मगर गीता को टच किसी ने नहीं किया। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ और मैं प्रूफ भी प्रूफ कर सकता हूँ, वर्ल्ड में प्रूफ कर सकता हूँ, गीता को टच किसी ने नहीं किया, गीता ऐसी अनूठी पुस्तक है और उस लेवल पे आदमी को ले जा सकती है, मगर हमने उसको लिया कितना, हमने केवल शब्द ले लिया ना, शब्द का अनुभव है नहीं हमारे पास, अनुभव पे हम कभी जाते नहीं, अनुभव पे हम जा भी नहीं पाते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे फंसे हुए होते हैं कि अनुभव पर हम नहीं जाते हैं। अभी देखिए इसमें लाइव में कितने हैं, मैं आप लोगों को सुपर कॉन्शस वर्क में हमेशा जीने के लिए ऐसे छोटे छोटे रास्ते दे दूंगा, ऐसे छोटे छोटे रास्ते दे दूंगा कि आप उठते बैठते काम करते हंसते बोलते बच्चे के साथ खेलते आप सुपर कॉन्शस वर्क में रहेंगे। समझ में नहीं आ रहा
सुपर कॉन्शियस वर्क में रहेंगे, मैं आपको इस बात का, अब हमारी आपकी बात चल ही रही है तो भविष्य, जब मैं भविष्य की इतनी बात कर रहा हूँ ना, तो आगे मैं आपको ये भी एश्योर कर रहा हूँ कि भविष्य में हम और आप मिलेंगे, ये पक्का ही है कभी न कभी। और मैं आपको भविष्य से उस टाइम कनेक्ट करूंगा कि कौन सा भविष्य निर्मित हो रहा था और भविष्य कैसे निर्मित हुआ है, हो रहा है और भविष्य निर्मित होगा। भविष्य ही एक ऐसा है जो निर्मित होता है। कर्म की एनर्जी, कार्मिक एनर्जी, आप समझ गए, कार्मिक एनर्जी इतनी छोटी नहीं है, और मैंने जो दिया है ना, मैं उतना सिंपल वे में मुझे नहीं लग रहा कि उतार पाया हूँ, मगर आप लोगों के समझ में आ गई होगी, आप लोग बच्चे हैं। हम लोग ये लेकर चलते हैं यहाँ पर, अब हम चलते हैं भविष्य की ओर। भविष्य में दो हमारे कर्म रह गए थे, कर्म एक तो हमने ले लिया था पॉजिटिव वर्क में, जो ले लिया था प्रेजेंट में, जो हमारा वर्तमान कर्म में कॉन्शियस वर्क है, सब कॉन्शियस वर्क है, सुपर कॉन्शियस वर्क है, इन तीनों के बारे में हमने ले लिया था। अब वर्तमान में रह जाता है, कर्म में रह जाता है, संचित कर्म रह जाता है और प्रारब्ध रह जाता है। कर्म के तीन प्रकार हैं, संचित, वर्तमान जो अभी क्रियामान हम जी रहे हैं, और क्रियामान के तीन प्रकार हमने देख लिए, और एक है प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है ये हम देख लेते हैं, संचित के बाद हम प्रारब्ध पे चले जाते हैं, अब हम संचित पे चलते हैं। संचित वर्ग क्या है, जो संचित का मतलब सीधा सीधा समझ जाइए, जो हमने कलेक्ट किया हुआ है अभी तक कब तक, अभी तक में कब तक होता है, कब तक का ये है कि अभी तक का मतलब जब से इस आत्मा, जो आत्मा जो मैं बैठा हुआ हूं इस शरीर में, मैं जब से अनादिकाल से इसमें हूं, जब से यहां पर हूं तब से मैंने इससे जो लिया हुआ है वो इसमें किया है, जब से तब से स्टोर्ड है। मैंने पिछली बार बताया था कि जब भी ये शरीर छूटता है तो दो चीजें ऊपर जाती हैं, एक तो सोल और एक माइंड, उसमें स्टोर रहती है सारी चीजें। ये कोई भी बात हवा में नहीं कह रहा हूं मैं, जब भी किसी को पता करना हो उसके पिछले जन्म में ले जाया जा सकता है, उससे भी पिछले जन्म में ले जाया जा सकता है, और उससे भी पिछले जन्म में ले जाया जा सकता है, अनादिकाल तक भी ले जाया जा सकता है, कहीं तक भी ले जाया जा सकता है, जहां तक आपका सामर्थ्य हो, जाने का आपकी तैयारी वहां तक ले जाया जा सकता है किसी को। संचित कर्म हम वहां से संचय करते हुए आ रहे हैं, और संचित कर्म है क्या? संचित कर्म वही है जिस एनर्जी की हम बात कर रहे थे, कि जो एनर्जी हमारे अंदर गांठ हो जाती है, इस जीवन में तो गांठ हो ही गई है, इससे बैक में भी गांठ हो गई है, उससे बैक में भी गांठ हो गई है, बहुत सारे गांठों को ढो रहे हैं, और ढोते ढोते हम यहाँ तक यहाँ डेली उस ढोए हुए भविष्य को जीते हैं। जो हमारा संचित कर्म पहले का हो चुका है वो आज वर्तमान में है, और जो आज मैं स्टोर कर रहा हूँ वो भविष्य के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं सुपर कॉन्शियस वर्क में नहीं हूं तो। सुपर कॉन्शियस वर्क मैं बार बार बोल देता हूँ, और बार बार आप भी सुनिए, डेली एक बार बोला करिए, सुपर कॉन्शियस वर्क कैसे जाना है, ये मैं बैठा हुआ हूँ, मैं अगर इस शब्द को मैंने निकाला है तो इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं मेरे पास, जिससे मैं इसमें आपको ले जाऊँगा सुपर कॉन्शियस वर्क में, जहां भविष्य जो बनेगा वो हील्ड बनेगा। क्योंकि वर्क की जो एनर्जी है ना वो हो ही नहीं है, वहां डूअर ज्यादा होता ही नहीं है, डूअर ज्यादातर होता ही नहीं है, वहां हो रहा होता है। तो इसकी जो एनर्जी बनती है वो भी हील्ड एनर्जी बनती है, हील्ड एनर्जी कर्म ही अपने आप में हील्ड होता है, उसके बाद जो भविष्य बनेगा वो हील्ड होगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सुपर कॉन्शियस वर्क में उसके तहत आप वर्क करिए, फिर सोचने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। संचित कर्म, दो तरह के संचित कर्म ही हैं, संचित कर्म में सुपर कॉन्शियस वाला वर्क नहीं है, क्योंकि सुपर कॉन्शियस वाला वर्क जो है ना वो पीछे नहीं हो सकता, वो अभी हो सकता है, वो हमेशा राइट नाउ में, द मोमेंट में, वो वर्क पीछे नहीं हो सकता है। तो संचित कर्म जो है ना, उसमें हमने जब भी संचित कर्म हमने किया होगा तो उस टाइम भी हमने कॉन्शियस वर्क किया होगा और सब कॉन्शियस वर्क किया होगा।
दोनों ही चीजें हमारे अंदर स्टोर भी होंगी, जो कॉन्शस हमने कॉन्शसनेस में होके किसी को कुछ कहा होगा और जो हमें पता नहीं होगा तब भी हो रहा होगा, दोनों ही चीजें हमारे दोनों ही सारे कर्म हमारे अंदर स्टोर होंगे और उसका उससे जो एनर्जी उस टाइम में हमने ठोस दी होगी इस अस्तित्व में, वो अस्तित्व हमारे ऊपर पलट के आ रहा है भविष्य के रूप में। जो हमने वर्तमान में, जिस वर्तमान में हमने अपना कॉन्शस वर्क दे दिया, सब कॉन्शस वर्क दे दिया, अब वो भविष्य के रूप में प्रतिध्वनित हो रहा है हमारे ऊपर। मैंने पिछली बार जब भी जो बोला उस समय अगर मैं सुपर कॉन्शस वर्क में नहीं था, मैं केवल कॉन्शस और सब कॉन्शस वर्क के दायरे में आ रहा था, तो भविष्य जितनी एनर्जी उस समय मैंने ठोस दी थी, इस अस्तित्व को दे दिया था, वो एनर्जी मेरे ऊपर प्रतिध्वनित हो रही है भविष्य के रूप में और इसके अलावा कोई भविष्य नहीं है। कहीं आपने कुछ पढ़ा हो, कहीं आपने कुछ लिखा हो, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को बिल्कुल कन्फर्मली समझ के चलिए, क्योंकि ऐसे ही अगर आपके समझ में ऐसा कुछ होता है आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको तर्क से नहीं अनुभव से बताऊंगा। तर्क से मैं ऐसी बातें करूंगा ही नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा। मैं तर्क से बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, मगर मैं ये सारी बातें आपको अनुभव से बताऊंगा, मैं उस आचरण से बताऊंगा जिसको मैं जी रहा हूं, उतना ही बताऊंगा जितना मैं जी रहा हूं, उतना भी अभी 99% लोगों के लिए दुनिया में काफी है। काफी क्या, 99% तो बहुत मैंने आपको कम बोल दिया, 1.01% लोग नहीं होंगे जो उतने तक नहीं। मैं जो बता दूंगा वो अनुभव वाला बताऊंगा, अनुभव से ही बताऊंगा, इसलिए उसमें आप किसी तरह से इफ बट देखिएगा नहीं, आप उसको अनुभव में लाइए, अनुभव वही आएगा जो मैं बता रहा हूं। तर्क में लेकर जाएंगे तो तर्क कुतर्क वितर्क आप जो भी करते रहे, फिर आपके पास ज्ञान की फोटोकॉपी हो गई, आप उस फोटोकॉपी को कहीं भी घुनाओ, कुछ भी करो, करते रहो, नहीं करते कभी बेच लो, कभी फ्री में दो, कभी कुछ भी करो, जैसे भी दो, तो वो देते रहो, वो ज्ञान की फोटोकॉपी हो गई आपके पास, ये ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए ये जो वर्क बताया जा रहा है ना, साइंटिफिक है, आप देख सकते हैं, साइंस में भी चेक कर सकते हैं। संचित में भी जो पीछे का जो कर्म है ना, संचित में भी दो तरह के वर्क हो गए, एक कॉन्शस वर्क, एक सबकॉन्शस वर्क। सबकॉन्शस वर्क जो हमने उस टाइम में संचित किया है, सबकॉन्शस वर्क होता कितना बड़ा है ये देखिए। कॉन्शस वर्क जितना बड़ा होता है, जो हम सीधे डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं, इससे 9 गुना बड़ा होता है जो सबकॉन्शस वर्क होता है, क्योंकि मन एक पार्ट जो दिखता है उससे 9 गुना पीछे है जो दिखता नहीं है। आप गूगल कर लीजिएगा, माइंड का जो पार्ट है ना वो 9 गुना है जो पीछे है। जैसे आप एक आइस को पानी में रख दो और आइस का जो है ना 9 पार्ट नीचे रहता है और एक पार्ट ऊपर रहता है केवल, तो उतना ही मन का है। मैं आइस का उदाहरण ले रहा हूँ, हो सकता है मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता इसके बारे में, याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ, उसका एक पार्ट ऊपर रहता है और 9 पार्ट नीचे रहता है, इतना ही सबकॉन्शस मन का होता है, 9 पार्ट अंदर रहता है और एक पार्ट जिससे हम वर्क कर रहे होते हैं कॉन्शसनेस में वो है। तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा कर्म है जो हमारे नजर में नहीं है, कितनी बड़ी एनर्जी है जो हमारे नजर में नहीं है, वो एनर्जी कहाँ जाती होगी, उस एनर्जी से क्या क्या डेवलप होता होगा। अगर आपको भविष्य वैसे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लो कि उससे क्या क्या डेवलप हो सकता है, उससे क्या क्या डेवलप होता होगा। जो एनर्जी हम बिना सोचे बिना देखे ठोस देते हैं, उससे क्या क्या डेवलप होता होगा। चलिए आज हम इसको यही रहने देते हैं। एक मैंने हस्बैंड वाइफ के ऊपर बोला था कि मैं कुछ स्पेशल बताऊंगा,
हस्बैंड वाइफ पर स्पेशल बता रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, इनका इतना प्यारा रिश्ता होता है, जो रिश्ता दूषित हुआ रहता है केवल ज्ञान के अभाव में, केवल जो ज्ञान नहीं है लोगों के पास, समझदारी नहीं है लोगों के पास, इसलिए ये रिश्ता दूषित हुआ रहता है। बहुत अनूठा रिश्ता होता है। देखिए कैसे अनूठा रिश्ता होता है। दो शरीर में जो अट्रैक्शन होता है, मैं सीधा थ्योरी बता देता हूँ, दो शरीर में जो अट्रैक्शन होता है उसको काम बोलते हैं। दो शरीर में जो अट्रैक्शन होता है, दो मन में जो अट्रैक्शन होता है उसको प्रेम बोलते हैं। और दो आत्माओं में जो अट्रैक्शन होता है उसको भक्ति बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ अगर चाहें और ठीक से चलें और सुपर कॉन्शियस वर्ल्ड में रहें, सुपर कॉन्शियस वर्ल्ड में ना भी रहें, केवल गांठें ना बनने दें अपने अंदर, अपने भीतर गांठों को ना बनने दें, जनरेट ना होने दें बार बार, तो वो इस अट्रैक्शन को छोड़कर, जो अट्रैक्शन फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है क्योंकि ऊब पैदा हो जाती है, एक ही पदार्थ को अगर आप ज्यादा दिन तक हाथ में रखेंगे तो उससे ऊब पैदा हो जाती है पदार्थ में, और यही पदार्थ अगर अंदर चला जाए एनर्जी के फॉर्म में, तो एनर्जी के फॉर्म में ऊब नहीं पैदा होती है। पदार्थ में दो शरीर है, शरीर पदार्थ है, ये जब पास में रहते हैं तो ऊब पैदा हो जाती है, वो रिश्ते में दूषिता शुरू हो जाती है वहां से। अगर हम इसको हील करते रहे, जितनी गांठें बनी हुई है उन गांठों को, जो हम बार बार बनाते रहते हैं गांठें, उन गांठों को अगर हम हील करते चलें, उलीचते चलें, तो आगे का जो उसका बनता है वो मन का अट्रैक्शन होता है। शरीर वहां पर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, फिर मन का अट्रैक्शन हो जाता है, और वो मन के अट्रैक्शन पे प्रेम में चले जाते हैं। जो प्रेम बोला गया है ना, वो प्रेम ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो आई लव आइसक्रीम, आई लव पिज्जा, ये वाला प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं होता, ये अट्रैक्शन भी नहीं है, ये तो उससे भी बहुत छोटे लेवल की चीज़ हो गई। जो शरीर का जो अट्रैक्शन है ना, वो तो हम काम के अंतर्गत लाते भी हैं, काम मतलब काम एनर्जी जो होती है हमारी, उससे मैं कह रहा हूँ, काम के अंतर्गत हम इसको लाते भी हैं दो शरीर के इसको, मगर जो पदार्थ और शरीर का अट्रैक्शन है ये तो किसी अट्रैक्शन में ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है, हो जाता है। शरीर को जीने के लिए और भी चीजें चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, तो उसमें एक वो भी है। तो शरीर में जो अट्रैक्शन है उसको हमने काम दिया, जो दो मन में अट्रैक्शन होता है वो प्रेम हो जाता है, और जो दो आत्माओं में अट्रैक्शन होता है उसके बाद वो भक्ति हो जाती है। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अगर मेडिटेशन में रहें, अपने क्रोध को, अपनी बैड एनर्जी को अगर वो हील करते रहें तो वो प्रेमी हो सकते हैं दोनों। यहाँ प्रेमी प्रेमिका की बात नहीं कर रहा, दोनों प्रेमी हो सकते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं होता, खुद का ही होता है जो भी हो सकता है। प्रेमी आप हो सकते हो तो खुद ही हो सकते हो, किसी के प्रति नहीं हो सकते आप, इस पूरे सर्कमस्टांसेस, इस पूरे एग्जिस्टेंस के प्रति हो सकते, जो होगे वो संपूर्ण ही होगे। तो जो हस्बैंड वाइफ है ना, वो खुद के ही प्रेमी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रेमी होंगे, अगर मन के लेवल पे जाएंगे। मन के लेवल पे जाएंगे ही तब जब शरीर से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, शरीर में जब तक, शरीर में के इस बोझ को जब तक पीते रहेंगे तब तक वहाँ तक नहीं जा सकते, और हम शरीर के बोझ तक भी नहीं जाते, हम शरीर तक भी नहीं पहुँचते, हमारा ऊब इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके बाद हम इतने भर जाते हैं, हमारी ऐसी दूषिता हो जाती है, दूषित इतनी हो जाती है बॉडी कि वहाँ से हम शरीर के अट्रैक्शन को भी कुछ दिनों में ख़त्म कर देते हैं, फिर मन के अट्रैक्शन की तो बात ही छोड़िए। अगर ये दुनिया है और यहाँ सृजन फैमिली करती है तो ये फैमिली ध्यान का भी सृजन कर सकती है। मैं जो बार बार आ रहा हूँ और बार बार आऊँगा, और जहाँ भी मन करता है वहाँ जाके जो मैं बोलता हूँ, मेरा केवल एम इतना ही है कि हस्बैंड
वाइफ जो शादीशुदा हो गए वो ध्यानी बने, वो ध्यानी बने, ध्यानी बनेंगे तो वो प्रेमी बनेंगे, और जो प्रेमी बनेंगे उससे जो कोई सृजन होगा वो प्रेम से खिलता हुआ आएगा, वो केवल शरीर के अट्रैक्शन का नहीं रहेगा, तो आप बाद में बन जाना, आत्मा आत्मा का अट्रैक्शन बाद में हो जाएगा, होगा नहीं होगा कोई परेशानी नहीं है उसमें, मगर यहां तक भी हो गए ना तो प्रेम से जो भविष्य खिलेगा वो प्रेम वाला ही खिलेगा, और प्रेम अगर हमें कुछ देगा तो गलत तो दे नहीं सकता। इस बात से तो आप एग्री करेंगे कि प्रेम अगर कुछ देगा तो गलत तो दे नहीं सकता। तो मन से मन का अट्रैक्शन कब होगा? जब आप खाली रहेंगे। जब आप खाली रहने का क्या मतलब है? आप क्या है ना, हम लोग एक एनर्जी से, किसी भी बैड एनर्जी को आप ले लो, क्रोध से, क्रोध को आप ले लो, क्योंकि ये ज्यादातर हमारे अंदर होता है, क्रोध से भरे हुए होते हैं। दूसरा क्रोध नहीं दिलाता, बच्चा हमें क्रोध नहीं दिलाता, हमारा हस्बैंड वाइफ हमें कोई क्रोध नहीं दिलाता, ये तो निमित्त बनते हैं हमें गुस्से में जाने के, हम क्रोधी हैं। अगर ये लोग ना मिले ना तो हम ऐसे क्रोधी हैं कि हम पेन से जो लिखते रहेंगे ना, जरा सा उसमें कुछ हो गया पेन पटक देंगे, किसी को देखेंगे दरवाजा ऐसे पटक देता है जैसे दरवाजे में पता नहीं दरवाजे ने क्या कर लिया उसका, किसी को देखेंगे सूज को जो उतारेगा ना तो सूज कहीं से कहीं रहता है, मतलब ये है क्या, ये क्रोध का ही टाइप है। अगर वो नहीं रहेगा तो आप पदार्थ से क्रोध करने लगेंगे, पदार्थ पे क्रोध करने लगेंगे, वो तो निमित्त आपका सामने वाला होता है, कि आपके कुआं में पानी तो भरा ही हुआ है, वो बाल्टी भेजता है केवल पानी लेने के लिए, वो पानी ले आता है, मतलब आप दोनों में हो गई। तो जो भराव है ना, कुआं जो भरा हुआ है, किसी बुद्ध पुरुष के जाओ, किसी बुद्ध पुरुष के कुआं में बाल्टी डालो, खाली बाल्टी डालोगे और खाली बाल्टी ही निकालोगे, क्योंकि वो अंदर तक खाली है। ना बनो बुद्ध पुरुष, इतने तो बनो कि प्रेमी बन सकते हो, जिस प्रेम से प्रेम का पुष्प खिले। जो भी न्यूली मैरिड आपको मिले, आप उसको इन दोनों अट्रैक्शन के बारे में जरूर कहना, क्योंकि इसके बाद जो खिलता है ना वो गजब का खिलता है, और जो आएगा इस धरती पे उस आने वाले की आप लॉ ऑफ ग्रेस में चले गए। जो मैंने पिछली बार बोला था लॉ ऑफ ग्रेस क्या है, आप लॉ ऑफ ग्रेस में चले गए अपने आप, वो ग्रेस का लॉ आपके ऊपर वर्क करने लगा। मेरा कहना इतना है, इस एनर्जी से जो मैं आज ये कर्म की एनर्जी कह रहा था, हस्बैंड वाइफ वाला जो टॉपिक स्पेशल टॉपिक था वो ये था, हस्बैंड वाइफ दो अलग अलग एनर्जी साथ में रहते हैं। एनर्जी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जहां होते हैं ना आपको वही दिखता है, एनर्जी ही है मैं आप, ये सारी चीजें एनर्जी हैं। एनर्जी का सघन रूप ठोस हो गया, एनर्जी का विरल रूप एनर्जी और प्रकाश हो गया, E=mc2। ये तो पढ़े ही होंगे, एनर्जी का ही सारा रूप है, एनर्जी का ही सारा फॉर्म है। दो एनर्जी एक साथ रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, ये दोनों एनर्जी अपोजिट एनर्जी नहीं है, ये दोनों एनर्जी को रिलेटेड एनर्जी, पूरक हैं दोनों एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के बिना हैं ही नहीं। ये जो शरीर है ना, ये फिजिकल बॉडी है, अगर ये मेल एनर्जी का है तो इसके जस्ट नीचे फीमेल एनर्जी है, जो अर्धनारीश्वर हमने बोला है वो इसलिए बोला है क्योंकि उन्होंने दोनों एनर्जी देखी अपने अंदर। तो दो आदमी जाके जुट नहीं गए कहीं, ऐसे पार्वती और ऐसे शिव जाके जुट नहीं गए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कभी कि शरीर आधा फट जाएगा और जुट जाएगा। ये जब हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चे तभी इस धर्म को नहीं मान पाते। अर्धनारीश्वर जो बने वो खुद के ही दो एनर्जी से वो अनुभव में ले आए, खुद के ही दो एनर्जी को देखा उन्होंने उस टाइम में कि मैं दोनों में ही, तो वो अर्धनारीश्वर कहते हैं उसको। यहां अर्धनारीश्वर हर घर में बैठा हुआ है, अगर चाहे ना तो इतना खिल सकता है, चाहे केवल। इसके लिए करना क्या पड़ता है,
केवल और केवल और केवल कुछ नहीं, आपने जो स्टोर किया हुआ है उसको उलीचिए, जो भी स्टोर किया हुआ है उसको उलीचिए, स्टोर किया हुआ है उसको उलीचिए। ऊब भी खत्म होती जाती है वहां से और प्रेम भी बढ़ता जाता है वहां पर। प्रेम कहां पर? क्योंकि जब भी आप उलीचना शुरू करते हैं ना, उलीचना शुरू करते हैं, उलीचना शुरू करते हैं, उलीचना क्या होता है? कैथारसिस, आप लोगों को पिछली बार पता ही चल गया था, नहीं तो आप मेरे वीडियो के लास्ट में जाइएगा, लास्ट के 10 मिनट को देख लीजिएगा, उसमें कैथारसिस के बारे में दिया हुआ है। क्योंकि वीडियो में पहले 10 मिनट कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, या आप ना भी देखना चाहे इतना लंबा वीडियो है, लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट में कैथारसिस के बारे में दिया हुआ है। कैथारसिस कैसे उलीचना होता है वो आप देख लीजिएगा वहाँ पर। जब हम वैकेंट होते हैं ना, कैथारसिस से उलीच के अपनी भावनाओं को जितनी गाँठे हैं वो उलीच के जब हम वैकेंट होते हैं, सामने वाला भी वैकेंट होता है, तो जब दोनों में बात होती है, हमारा जो है ना, हमारा कुआं खाली होता है। अगर कोई बाल्टी डालता भी है ना, तो बाल्टी खाली वापस आ जाती है, भर के नहीं आती। हम खुद ही अगर क्रोध से भरे हुए हैं और कोई जरा सा डालेगा, एक लोटा भी डालेगा, उठा के वो ले आएगा, और हम दोनों मिल गए ना, फिर एक ही फ्रिक्वेंसी के हो गए। तो उलीचिए, वैकेंट होइए, खाली होइए, दोनों लोग। कैसे होना है इस काम के लिए, मैं एनी टाइम कभी भी तैयार हूँ। मेरा नंबर आप इस साइट से ले लीजिएगा या कहीं से भी ले लीजिएगा, ना लीजिएगा तो इसी ग्रुप में आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा कि जो उलीचने वाली बात हुई थी वो कैसे, मैं आपको पूरा पूरा समझा दूंगा, वीडियो पे आके समझाऊंगा। मेरा जीवन अगर अभी तक तो 200-400 परिवार के लिए अच्छा हो चुका है, जो फैमिली के लिए जैसा मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से वो लोग खिल चुके हैं। अगर मेरा जीवन 2-4-10 हज़ार परिवार के काम भी आ गया, हस्बैंड वाइफ के काम आ गया, जो रिश्ता बहुत किसी मतलब का नहीं रह गया, सभी जानते होंगे, कितना भी लगा लो जोर, वो आती है, वो आपको इधर लेकर चली जाती है, प्रेम की तरफ तो ले ही नहीं जाती, वो आपको शरीर के अट्रैक्शन से भी खत्म कर देती है। अगर इससे गुजरेंगे तो आप प्रेम की तरफ जाएंगे, सुंदरता बढ़ेगी। आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाएंगे, आप और सुंदर होते जाएंगे, आपका ऑरा प्योर होता जाएगा। अगर आप इस उलीचने वाले इससे जाते हैं, ये एक विधि है, इस विधि को मैं और भी विस्तार से बताऊंगा अगर किसी ने किया और किसी को प्रॉब्लम आई हो तो। क्योंकि शास्त्र जो दिया जाता है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो शास्त्र जब भी दिया जाता है तो आधा ही दिया जाता है। कभी भी ये मत समझिएगा एक शास्त्र लेकर कि ये मुझे पूरा मिल गया, पूरा कोई भी शास्त्र नहीं है, कोई भी शास्त्र पूरा नहीं है। उसने इंडिकेट किया, शब्द दिया आपको, शब्द को अब आप भाव में लाओ, भाव को आप एक्सपीरियंस में ले जाओ, अनुभव में ले जाओ, और उस आचरण को जियो। ये आधा आपको खुद करना होता है। आप किसी, हम तो ऐसे निराले लोग हैं कि वो उस आधे को याद कर करके भगवान के सामने बैठ के और फिर धर्म कमा लेते हैं और चले जाते हैं। हम गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ के हम समझते हैं कुछ धर्म मिलेगा। मतलब कुछ भी, ये हो गया इतना।